उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। भाजपा और सपा अपना अपना पासा फेंक ही रहे हैं, तो बहन जी कैसे पीछे हट सकती हैं? बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, जब से यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई है और ये पता चला कि सपा इन सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तब से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के गठबंधनों की नींद उड़ गई है। मायावती ने कहा, भाजपा और सपा अपने अपने गठबंधनों के साथ उपचुनाव के दौरान दोस्ताना मुकाबला करते थे, क्योंकि बसपा आमतौर पर ज्यादा उपचुनाव नहीं लड़ती थी। लोगों को गुमराह करने के लिए भाजपा कह रही है बटेंगे तो कटेंगे, जबकि सपा कह रही है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मायावती ने नया नारा देते हुए कहा कि अब ये होना चाहिए, बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। बसपा सुप्रीमो ने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान अधिकारी नहीं बल्कि सपा के गुंडे और माफिया सरकार चला रहे थे। हमारे पास ऐसी खबरें हैं कि उपचुनाव में सपा अपने गुंडों को और माफियाओं को अंदर अंदर बता रही है कि अगर हम ये उपचुनाव जीतेंगे तो भविष्य में हमारी सरकार बनेगी, तभी तुम सुरक्षित रह पाओगे।